Please do subscribe my channel for more interesting videos. वेलकम टू काइटा बरेली और आज मैं आया हूँ इनाम अली जी की शॉप पे। हेलो इनाम अली जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेलो, तो फिर बताइए आज हमें आप क्या क्या दिखाने वाले हैं? ठीक है, अब मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बरेली का मांझा होता है वो बहुत ही शार्प, बहुत अच्छा होता है। अच्छा। और इस मांझे से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता है और ये मांझा 200 साल से बिकता है। इस मांझे से आज तक कभी भी मतलब किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि इस मांझे की वजह से 2000 परिवार इससे 10000 परिवार इससे पलते हैं और इस मांझे की ये खासियत होती है कि आज तक कभी किसी को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और ना ही नुकसान हो सकता है क्योंकि इस मांझे की ये खासियत होती है कि ये जो मांझा होता है 100% मतलब कॉटन का होता है। ये पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो चरखी के अंदर मांझा होता है ये मांझा 100% कॉटन का होता है और प्योर कॉटन होता है और इससे 10000 परिवार पलते हैं। हम लोग भी इससे पलते हैं और इसका हम लोग कारोबार करते हैं 35 साल से मैं इस कारोबार में हूँ और ये जो मांझा है मतलब कॉटन का हम 100% मांझा कॉटन का बेचते हैं। अब दिखा दीजिए कौन कौन से आपके पास ब्लॉक है, सारे ब्लॉक में देखना चाहता हूँ। देखिए ये सिकंदर खां का मांझा है, ये बहुत अच्छा बड़े अच्छे किस्म का मांझा होता है और इस मांझे की ये खासियत होती है कि इसके कलर बड़े अच्छे होते हैं जो आँखों को चुभते हैं। वाह, ये देखिए कितना अच्छा है, धार तो अल्टीमेट है इसकी। हाँ, ये देखिए ये फरमूद बेग का मांझा होता है 12 तार मांझा होता है। इसका यूज़ जो होता है या तो पंजाब में होता है या गुजरात में होता है। ये बहुत ही अच्छा बड़ा खूबसूरत बहुत शानदार मांझा होता है। अच्छा। आप देखें इस मांझे को, ये फरमूद बेग का है, ये फरमूद बेग का मांझा होता है और जो बहुत ही मशहूर कारीगर हैं और अब से मेरे ख्याल से 40 साल से इस लाइन में हैं। आज भी इनका मांझा अच्छा, वो कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। ये देखिए ये जो मांझा है इसकी धार बहुत ही बढ़िया है, बहुत शानदार। तो ये आपके कारीगर रहते हैं या फिर ये हमारे अपने कारीगर रहते हैं, हमारे कारीगर बनाते हैं। अच्छा। और उनको हम मजदूरी देते हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं, फिर बना के लाते हैं, फिर हमें देते हैं, हम लोगों को देते हैं। अच्छा। और दिखा दीजिए ब्लॉक। ये जो मांझा है प्रिंस का मांझा है। एक बात का ये ध्यान रखें, ये जो मांझा है इसके जो कलर हैं ये कलर कोई भी नहीं बना सकता क्योंकि इतने अच्छे इतने प्यारे कलर ये कारीगर बनाता है प्रिंस। बहुत अच्छा मांझा होता है और बहुत ही अच्छा मांझा होता है और टकरा के टूट जाता है। अच्छा। ये इसकी खासियत है। जो प्लास्टिक का मांझा होता है वो नहीं टूटता है लेकिन ये टूट जाता है। ये बहुत अच्छा मांझा है, ये 8, 10, 15 पतंग काट के ही उतरता है नीचे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छे अच्छे मांझे हैं यहाँ पे और इस मांझे में धार जो है बहुत ही अच्छी है लगी हुई। तो और दिखाइए। अच्छा, जो मैं मंजा ले आता हूँ वो कौन सा है? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ ये। हाँ, ये देखिए ये मंजा मैं यूज करता हूँ छत से, बहुत बढ़िया अल्टीमेट मांझा है ये भी। इस मांझे की मैं आपको खासियत बता दूँ, ये जो मांझा है ये कारीगर मेरे पास ये कारीगर बचपन से आया था। ये 15-16 साल की उम्र में आया था, आज 35-40 साल का हो गया है। आज भी मेरा काम करता था, कल भी मेरा काम करता है। और इस मांझे की खासियत ये है कि ये मांझा 8-10-15% काट के ही उतरता है। इस मांझे का आप ये ध्यान रखिए। ये मुन्ना भाई MMBS बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत बढ़िया मांझा है और ये बाकरगंज के कारीगर हैं, बहुत शानदार मांझा है। ये मांझा ऐसा है कि जिससे मैंने एक पतंग से 10-10 पतंगें काट रखी हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी धार है इसमें, अल्टीमेट मांझा है एकदम। और आप यहाँ आए, इस मांझे को लें और आके देखें, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। बहुत शानदार मांझा होता है, बहुत अच्छा मांझा होता है। और ये हमारी दुकान का फेवरेट मांझा है, मुन्ना भाई MMBS। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी नाम से बिकता है, इसी नाम से जाना जाता है और इसका डुप्लीकेट भी बनता है। इसका मांझा जहाँ भी लें, ये सिग्नेचर देख के लें, ये इसकी ये पहचान है। बाकी है देखिए, ये जो मांझा है ये HMB का मांझा है, फ्रांस रिटर्न। इंडिया गवर्नमेंट ने 2 बार इनको फ्रांस भेजा है। ये इंडिया का तिरंगा, ये तिरंगा फ्रांस, पेरिस, लंदन, ये कई जगह तिरंगा बना के आए थे। और इनका ब्रांड का नाम है HMB, ये ब्रांड का नाम है। और मांझा है ये हबीब भाई का, बहुत अच्छा मांझा होता है, बहुत शानदार मांझा होता है, बहुत अच्छा लड़ता है मांझा। ये फ्रांस, पेरिस, लंदन, ये सब जगह गए हैं और वहाँ ये इंडिया का तिरंगा बना के आए थे। ये वो शख्स हैं, उन्हीं हबीब भाई का मांझा है जो फ्रांस में इंडिया का झंडा लहरा के आए थे। ये HMB इनके ब्रांड का नाम है। अच्छा, ये देखिए, ये जो मांझा है ये मैं मोस्टली यूज करता हूँ छत से लड़ाने के लिए, ठीक है। यहीं से मैं ले आता था ये वाला मांझा। और ये बबलू जी का है, ये मुन्ना बबलू का है। मुन्ना इसके ऑनर हैं और इसका भाई है बबलू। ये दोनों के नाम से बिकता है और हिंदुस्तान में धूम मचा रखी इस मांझे ने। अच्छा, और अच्छा इनाम अली जी, ये बताइए, ये मांझा किसी को लेना हो तो वो कैसे ले सकता है? अगर ऑनलाइन ऑर्डर करे तब? हाँ, कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, इस मांझे का अपना एड्रेस भेजेंगे, हम इंडिया के क्या, दुनिया के किसी कोने में भी इसको भिजवा देंगे ऑनलाइन। आपका नंबर जो है स्क्रीन पे? हाँ, मेरा नंबर जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे और मेरा नंबर स्क्रीन पे जो आएगा उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी किसी तरह की कोई भी चीज़ आप मंगाना चाहते हैं, मांझा, सद्दी, चरखी, कुछ भी मंगाना चाहते हैं, ये नंबर हम इस स्क्रीन पे दे रहे हैं। इस नंबर को आप ध्यान से देख लिए और स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं। और इस नंबर से आप हमसे कांटेक्ट करिए। पतंग की कोई भी जानकारी चाहिए, किसी तरह की जानकारी चाहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और पेज लाने का तरीका आपको बताया जाएगा। ये 40 साल का एक्सपीरियंस है, आपको हर तरीका बताया जाएगा कि दूसरे की पतंग कैसे काटना है, ये मैं बताऊंगा, इनाम अली। तो इनाम अली जी, ज़रा मुझे प्राइस बता दीजिए। देखिए, ये जो मांझा है साहब, ये 12 तार का मांझा होता है, पंजाब जाता है। अच्छा, अच्छा। और ये मात्र 240 रुपये का है। इसमें 3000 मीटर मांझा होता है। 3 रील है? जी हाँ, 3 रील मांझा होता है। 3000, एक रील इसका 1000 मीटर का होता है। और ये बता दीजिए मुझे कौन कौन से क्या प्राइस? सर, ये जो मांझा होता है, जो मैं बता रहा था मुन्ना का, बहुत शानदार मांझा होता है। इसकी जो चरखी है ये 480 रुपये की चरखी है। अच्छा, 480 रुपये की चरखी बिकती है ये। और इसके अंदर 2-3 तरह का मांझा आता है। अच्छा, इसमें 480 का भी है, 5.5 का भी है, 6.5 का भी है। अच्छा, और 400 रुपये का भी। एक ही ब्रांड के अंदर अलग अलग और 4 रेट होते हैं। अच्छा, ठीक है सर। और ये 6 रील है ना? हाँ जी, ये 6 रील पूरा है सर। ये सिकंदर खां का मांझा होता है और इस मांझे में बड़ी तेज़ धार होती है, बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मांझा होता है। ये 360 रुपये की चरखी होती है। अच्छा, 360 रुपये की? हाँ जी सर। इसमें 5 रील है। अच्छा, 5 रील। हाँ जी सर, धार तो अल्टीमेट है। हाँ जी, इसमें 5 रील है। और ये जो मैं आपको बता रहा था फ्रांस रिटर्न, जो इंडिया का झंडा पूरे पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर बना के आए थे मांझे से, HMB का, ये 480 रुपये की चरखी है सर। इसमें 6 रील मांझा होता है। काफ़ी बढ़िया मांझा, बहुत शानदार मांझा होता है और पूरी दुनिया में इस मांझे का नाम है। और इस नाम को HMB के नाम से जाना जाता है, फ्रांस रिटर्न, HMB फ्रांस। ये प्रिंस का मांझा है। अच्छा, इस मांझे की खासियत ये होती है कि ये मांझा बहुत बारीक होता है और आजकल आप देख रहे हैं जो प्लास्टिक का मांझा है उसको भी ये काट देता है। 1 मिनट में इसकी ये खासियत है। और अगर कोई भी चीज़ अगर ये ऑनलाइन कोई भी मंगाएगा इंडिया के या इंडिया के बाहर मंगाएगा, हम यहाँ से उसको मतलब कोरियर के थ्रू भेज देंगे। ये कितने का बताएगा? ये बैठेगा 650 रुपये का। अच्छा, 6 रील पूरा होता है इसके अंदर 100%। अच्छा, आप फिर मुझे चरखियाँ दिखा दो, आपके पास कौन कौन सी चरखियाँ हैं? देखिए, मैं ये जो आपको चरखी दिखा रहा हूँ इसमें 180 रुपये लगे हुए हैं ये वो। अच्छा। और ये 18 रील की चरखी है, बड़ी खूबसूरत चरखी होती है, बहुत शानदार और बहुत बड़े चरखी। आप देखिए, बहुत बढ़िया। इसका क्या प्राइस है? ये साहब 850 रुपये की चरखी है। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार चरखी है। ये आती है दिल्ली से। अच्छा, दिख रही है यार। और ये चरखी आती है मुरादाबाद से। अच्छा, ये मुरादाबाद से? ये मुरादाबाद से आती है। ये टोटल इसमें स्टील की चरखी होती है, एल्युमिनियम का पहिया होता है, पीतल का लट्टू होता है। ये कितने की बताइए? ये 195 रुपये की है, 195 की है। अच्छा, बहुत ही सुंदर है। देखिए, ये जो चरखी है ये आजकल एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका फाइबर है और बहुत चिकना, और ये पाइप स्टील का है और ये पीतल की इसकी गुंडी है। ये बहुत ही बढ़िया है। ये कितने की बताई? ये आपको बैठेगी 360 रुपये की। अच्छा, 360 रुपये की। हाँ जी। ये पीतल की चरखी है, पीतल की चरखी है, मुरादाबाद से आती है, बहुत शानदार चरखी होती है और हिंदुस्तान के कोने कोने में ये जाती है। सबसे अच्छी बात यह कि इसमें मांझा डैमेज नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। अच्छा, पीतल की चरखी में मांझा डैमेज नहीं होता है ना? डैमेज नहीं होता है और ये जैसी है वैसी रहेगी। ये कितने की बताई? ये जो बैठेगी 325 रुपये की बैठेगी। देखिए, ये बहुत फैंसी आइटम है, इसको कहते हैं 3D। अच्छा, 3D। ये 3D चरखी है और जब ये धूप में या रात में बहुत इसके ये डायमंड जो लगे हुए हैं इसमें चमकते हैं और बड़ी खूबसूरत लगती है। प्योर फाइबर की चरखी होती है। ये देखिए, 3D चरखी दिखाई है, डिजाइनिंग बहुत ही बढ़िया। और कोई चरखी है? और ये चरखी जो होती है साहब, ये झुनझुना होता है। अच्छा। इसके अंदर इसमें झुनझुना होता है, बाजा होता है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा आइटम होता है। ये मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये कितने रुपए का? ये एक चरखी 10 रुपये की आती है कि 5 नंबर की डोर होती है, बहुत शानदार। और जो मैदान में लड़ाई जाती है ये वो डोर होती है। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार डोर होती है। और ये देखिए, बहुत ही हरिराम थ्रेड्स की डोर होती है, बहुत अच्छी डोर होती है, बहुत शानदार डोर होती है। ये त्रिशूल की डोर है, बहुत शानदार डोर होती है। और जितने भी मैदान लड़ाने वाले हैं वो त्रिशूल की या विक्टर की या हाई फ्लायर की या बलून की इस तरह की डोरें लड़ाते हैं। उसमें से एक डोर ये भी है, बहुत शानदार डोर है और ये हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहती है। ये ओमा काइट वालों की डोर है, बहुत शानदार, मोदी नगर से आती है, बहुत बढ़िया डोर होती है। ये 220 रुपये की है, बहुत शानदार डोर है, बहुत बढ़िया डोर है। और मैं आपको एक चीज़ आपको नहीं दिखाऊँ, आजकल के हिसाब से ये डोर मल्टी कलर की होती है, 3 नंबर की डोर होती है। ये दिल्ली से आती है लेकिन बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत डोर होती है, मांझे की तरह डोर को बनाया है। बहुत ही शानदार डोर है, मतलब इस डोर का जवाब नहीं, बहुत ही शानदार डोर है। 400 ग्राम ये 400, हाँ, 3 कोड होता है, 400 ग्राम होता है। ये 195 की है, बहुत ही शानदार, 195 रुपये की है, बहुत ही शानदार डोर है, बहुत बढ़िया डोर है। इसी में सर ये डोर होती है बैलून की। ये बैलून की ये भी होती है लेकिन एक ही कलर होता है, बहुत शानदार डोर होती है, उड़ाने में बहुत हाथ भी नहीं कटता है और बहुत फंस के चलती है। और हाँ, 3 नंबर 400 ग्राम है, 210 रुपये की है और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बिकती है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, ये भी हमारी सद्दी है, इसको सद्दी कहते हैं। इसमें क्या शीशा नहीं होता है, बाकी सब कुछ मांझे की तरह होता है। अच्छा। लेकिन बहुत शानदार बनी हुई डोर होती है। ये आदिल की डोर है मुरादाबाद की, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया डोर बनाता है और इस डोर का बहुत नाम है और दुनिया के कोने कोने में इस नाम से, आदिल के नाम से ये डोर मतलब जानी जाती है और जाती है, लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अंदर 2 तरह की डोरें होती हैं, एक तो डोर ये होती है, ये मसाले की डोर होती है, हर्बल टच होती है। सब इसमें जड़ी बूटी बड़ी होती है, इसलिए हर्बल टच होती है। एक इसमें पेंट की डोर होती है, जो पेंट होता है वो कोटेड उसको कोटेड किया जाता है पेंट से। अच्छा। पेंट से किया जाता है। और ये पेंट वाली डोर होती है, ये भी बड़ी शानदार डोर होती है। क्या खासियत है? इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत मजबूत होती है। अच्छा। बहुत शानदार डोर होती है और इसमें चाहे कितनी छोटी पतंग करके आप इसको लड़ा लीजिए, ये इससे पतंग आपकी टूटेगी नहीं। ये भी आदिल की डोर होती है, बहुत शानदार डोर होती है। ये सर ये 325 रुपये की है, ये 380 रुपये की है और बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही। इसमें एक कोन होता है 400 ग्राम का, दोनों में 400 ग्राम में कोन होते हैं। डोर सेम होती है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी। ये विक्टर की डोर होती है, मोदी नगर से आती है, बहुत शानदार डोर होती है। और विक्टर नंबर होता है 6 नंबर की डोर होती है, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया ग्रिप होती है और बड़ी शानदार तरीके से लोग इसको पसंद करते हैं। और काफ़ी लोग लखनऊ से, दिल्ली से, बॉम्बे से, औरंगाबाद से, नासिक से, सब जगह से डोर को मंगाते हैं। ये 6 नंबर डोर जो है विक्टर की सबसे बेस्ट है और ये मोदी नगर वालों की बनाई हुई डोर है और इनकी डोर कभी फेल नहीं होती है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया डोर होती है। कितने रुपये की है ये? आपको 240 रुपये की पड़ेगी। इसमें 500 ग्राम भी होता है और 400 ग्राम भी होता है। हाँ जी। आप बताइए ये बैग जो है क्या क्या प्राइस है इनके, कैसा? देखिए ये काइट बैग है, ये हमारी शॉप के नाम से ये काइट बैग बनते हैं और दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। इसमें क्या है, काइट बहुत सेफ तरीके से इसमें रहती हैं। काइट आपकी 10 साल, 20 साल, 50 साल तक भी काइट आपकी ख़राब नहीं होगी और काइट इसमें बहुत सेफ रहती है। ये मेरा नाम है और ये इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसके अंदर 500 पतंगें आ जाती हैं और मात्र इसकी कीमत जो है 350 रुपये है। ये बहुत बड़ा बैग है, इसमें आधी, पौनी, मजोली, डायवाली, हर तरह की इसमें पतंग आ जाएगी और ये 350 रुपये का बैग है। और इसी के अंदर एक चीज़ हमने नई बनवाई है जो बहुत शानदार, जो वीआईपी की तरह मतलब बनी हुई है। आप ये देखिए, ये बैग इतना शानदार है। हाँ, ये पतंग का बैग है। इसके दो तरीके हैं सर इसके। एक तो अगर इसमें चाहें तो इसमें अपनी पतंग भी रख सकते हैं और अपने अगर कपड़े रखना चाहें तो इसमें कपड़े भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अस्तर लगा हुआ है और बहुत ही शानदार इसका कपड़ा है। और ऊपर एक चैन है, आप अगर कहीं बाहर जाएं, पेस्ट वगैरह, अपने कोलगेट क्रीम और अपने अंगा कंगा, ये सब चीज़ें इसमें रख सकते हैं। इसके लिए पैकेट बनाई गई है और बहुत ज़्यादा बिकते हैं। मात्र कीमत इसकी 550 रुपये है और बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बैग है। और देखिए ये हमारी फर्म के नाम का बैग है, सदर ट्रेडिंग कंपनी। ये हमने लोगों की सुविधा के लिए ये 500 पतंग का बैग है। मैं खुद अपने हाथ से इन बैगों को बनाता हूँ और अपने हाथ से बना के एक बैग रोज़ बना लेता हूँ और इसको अपनी दुकान में बेच लेता हूँ। ये बैग का क्या प्राइस बताया था? ये 550 रुपये का बैग है और ये सूटकेस बैग है। ये बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बैग है। इसका ये 350 का पड़ेगा। बहुत ही शानदार बैग है और बहुत इसकी खासियत है कि इसमें पतंग सेफ रहती है, कीड़ा नहीं लगता है और पतंग बहुत ही अच्छे तरीके से रखी रहती है। ये पतंग 2 रुपये 40 पैसे की है, बरेली की सबसे सस्ती पतंग है। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चा 5 रुपये में 2 पतंगें उड़ा सकता है आराम से। बहुत बढ़िया पतंग है ये। ये जो पतंग है सर, ये पतंग इसे कहते हैं मजोली। ये 380 रुपये की 100 बिकती हैं और ये भी हम अपने हाथ से बनाते हैं। सारी पतंगें अपने हाथ से बना के बेचते हैं और ये हमारे हाथ की पतंग बनी हुई, बहुत शानदार। और रिटेल के अंदर ये 4 रुपये की बिकती है, बहुत बढ़िया पतंग है। ये पतंग हम 3 रुपये की बेचते हैं, बहुत बढ़िया पतंग है। इसको कहते हैं ढाई वाली, 2.5 रुपये वाली नहीं, ढाई वाली इसका नंबर है पतंग का। ये 3 रुपये की एक पतंग बिकती है और बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत अच्छे तरीके से बिकती है, बहुत बढ़िया पतंग होती है, उड़ाने में भी बहुत अच्छी पतंग होती है। ये पतंग अहमदाबाद से आती है, बहुत ही बढ़िया पतंग होती है। पतंग की कीमत है 5 रुपये 50 पैसे और बहुत शानदार पतंग होती है। लोग इसे बर्थडे वगैरह में, लोगों के घर के अंदर बर्थडे होता है या कुछ होता है तो इस तरह की पतंग लगा के फोटोग्राफी करते हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। बहुत शानदार पतंग होती है और उड़ने में भी बहुत शानदार होती है। आगे वाली दिखा देना। देखिए साहब, ये अद्धी पतंग होती है, इसे कहते हैं अद्धी पतंग। हिंदुस्तान में क्या दुनिया में 80% लोग इसको उड़ाते हैं और इसको हर तबके के मतलब हर आदमी, हर छोटा बड़ा आदमी अद्धी पतंग को उड़ाता है। अद्धी से बड़ी होती है पानी, वो इससे बड़ी पतंग होती है, लेकिन ये मीडियम साइज़ है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा बिकने वालों में से ये पतंग है अद्धी। अद्धी पतंग ये मात्र जो है इसका सैकड़ा 480 रुपये सैकड़ा ये पतंग है, और रिटेल में 5 रुपये बिकती है। बहुत बढ़िया पतंग होती है, बहुत शानदार पतंग होती है।